बहुत ही जल्द हिंदी सीरियल्स के अंतर्गत साल 2024 में 30 नए टीवी शोज लॉन्च होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो आइए आज के इस खास वीडियो में उन 30 नए टीवी शोज के नाम को बताने जा रहे हैं जो आप सभी दर्शकों का दिल जीतने के साथ साथ मनोरंजन का भरपूर तड़का लगाने को तैयार हैं। पहला टीवी शो है पॉलिटिक ड्रामा रोमांटिक टीवी शो, जिसमें नजर आएंगे जैन इमाम, अशनूर कौर और अनीता हसनंदानी। ये टीवी शो अगस्त के महीने में कलश टीवी पर लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है दोस्तों। वहीं दूसरा टीवी शो है क्राइम पेट्रोलियम का नया सीजन, जिसमें नकुल मेहता होस्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। ये टीवी शो 16 जून से सन न्यू पर रात 9:30 बजे से टेलीकास्ट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं तीसरा टीवी शो है फैमिली ड्रामा लव ट्रायंगल पर आधारित शो खूबसूरत, जिसका प्रोमो पहले ही सामने आ चुका है जो कलश टीवी पर लॉन्च होने वाला है। शो में फरमान हैदर, ईशा हसरोरा और ट्विंकल अरोड़ा की तिकड़ी नजर आएगी। वहीं चौथा टीवी शो है जो सोनी टीवी पर लॉन्च होने वाला है, जुबली टॉकी। शो के प्रोमो बैक टू बैक काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा रहे हैं और ये टीवी शो 24 जून से रात 8 बजे से टेलीकास्ट होगा सोनी टीवी पर। इस टीवी शो में खुशी दुबे नजर आने वाली है, जो कि काफी बबली एक्ट्रेस हैं। वहीं पांचवा टीवी शो है सोनी सब का पॉपुलर टीवी शो हुआ करता था मैडम सर का दूसरा सीजन। जी हाँ दोस्तों, कुछ पुराने स्टार कास्ट के साथ साथ जो नई एक्ट्रेस का नाम जुड़ा है वो है पूजा शर्मा, जो कि मेन लीड किरदार निभाते हुए इस टीवी शो में नजर आएगी। वहीं छठवां टीवी शो है छठी मैया की बिटिया। जी हाँ दोस्तों, ये टीवी शो सन न्यू पर 16 जून से 7 बजे से ऑन एयर होने वाला है। शो में मेन लीड कलाकारों की बात की जाए तो देवलीना भट्टाचार्य जी, सारा खान, ईशिता गांगुली, वृंदा दहल और आशीष दीक्षित जैसे कलाकार नजर आएंगे इस नए नवेले टीवी शो में। वहीं सातवां टीवी शो है मिश्री। ये रोमांटिक फैमिली ड्रामा टीवी शो है जो कलश टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला है 3 जुलाई से रात 8:30 बजे से। इस टीवी शो में नमित तमिशा मेन लीड एक्टर के तौर पर दिखाई देने वाले हैं और प्रोमो भी सामने आ चुका है जो काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रहा है इन दिनों। वहीं आठवां टीवी शो है चिरंजीवी हनुमान। पिछले काफ़ी अरसे से ये टीवी शो पेंडिंग में पड़ा है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट की माने तो अगस्त में लॉन्च हो सकता है ये टीवी शो। वहीं नौवां टीवी शो है साझा सिंदूर। ये फैमिली ड्रामा टीवी शो है जो सन न्यू पर 16 जून से रात 8 बजे से कास्ट होने के लिए तैयार है। मेन लीड कलाकारों की बात की जाए तो टीवी एक्टर साहिल उप्पल, कृतिका देसाई और श्रुति गोयल जैसे कलाकार नजर आएंगे इस टीवी शो को शोभा बढ़ाने के लिए। वहीं 10वें टीवी शो की बात की जाए तो जो दंगल टीवी पर लॉन्च होने वाला है, तुलसी हमारी बड़ी सयानी। इस टीवी शो में हरिति जोशी, अपर्णा दीक्षित और दीक्षित अरोड़ा जैसे कलाकार नजर आएंगे और ये टीवी शो 24 जून से शाम 6 बजे से दंगल टीवी पर ऑन एयर होने के लिए तैयार है। वहीं 11वां टीवी शो है खतरों के खिलाड़ी का नया सीजन, यानी कि खतरों के खिलाड़ी 14, और ये टीवी शो अगस्त के महीने में लॉन्च होने वाला है, जहां रोहित शेट्टी और पूरे के पूरे जो सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट हैं इन दिनों जॉर्जिया में शूट कर रहे हैं इसका 14वां सीजन। वहीं 12वां टीवी शो है जय जगन्नाथ, जो कि माइथोलॉजी टीवी शो है और अतरंगी टीवी पर यह टीवी शो टेलीकास्ट होगा। मेन लीड कास्ट की बात की जाए तो शरद मल्होत्रा और युक्ति कपूर नजर आने वाले हैं। वहीं 13वां टीवी शो है इश्क जबरिया। ये टीवी शो भी सन न्यू पर 16 जून से रात 7:30 बजे से टेलीकास्ट होने वाला है। इस नए टीवी शो में लक्ष्य खुराना और टीवी एक्टर सिद्धि शर्मा की बेहतरीन जोड़ी और फ्रेश जोड़ी नजर आने वाली है इस नए नवेले टीवी शो में। वहीं 14वें टीवी शो की बात की जाए तो एकता कपूर का नागिन 7 है। स्टार कास्ट को लेकर कई तरह के नाम सामने आ रहे हैं और ये टीवी शो सितंबर के एंड वीक पर लॉन्च हो सकता है कलश टीवी पर। तो दोस्तों तैयार हो जाइए नागी के नेक्स्ट सीजन को देखने के लिए। वहीं बात किया जाए 15वें टीवी शो की तो ये माइथोलॉजी टीवी शो है और इस टीवी शो का नाम है काशी विश्वनाथ, दूरदर्शन चैनल पर टेलीकास्ट होगा और 22 जुलाई से ऑन एयर होने वाला है। आकाश कपूर जहां इस टीवी शो में पवन देव की भूमिका में। वहीं 16वां टीवी शो है दुर्गा। इस टीवी शो की बात की जाए तो टीवी एक्टर पनारी राठौर की वापसी होने वाली है, जो कि मेन लीड कलाकार निभाएगी। उनके अपोजिट ध्रुव भंडारी नजर आने वाले हैं इस नए नवेले टीवी शो में। वहीं बात की जाए 17वें टीवी शो की तो उस नाम है राजन शाही का टीवी शो है जो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, एक प्रेम कहानी। जी हां दोस्तों, ये बहुत
ही जल्द लॉन्च होने वाला है स्टार प्लस पर। सोर्सेस की माने तो सितंबर में ऑन एयर हो जाएगा। वहीं 18वां टीवी शो है बिग बॉस का 18वां सीजन। जी हाँ दोस्तों, कलर्स टीवी का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी टीवी शो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च होने वाला है। वहीं 19वें टीवी शो की बात की जाए तो जी टीवी का मोस्ट अवेटेड टीवी शो है रोमांटिक ड्रामा टीवी शो सोसाइटी वाला लव। काफ़ी मेकर्स की ओर से थोड़ी लेट लतीफी हो रही है। मेन लीड एक्टर की बात की जाए तो पार्थ समथान और इनके अपोजिट सरगुन कौर लोथरा की जोड़ी नजर आने वाली है। वहीं 20वां टीवी शो है तेरे बिन, पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज है जिसे एकता कपूर ने इसके राइट्स को खरीद लिया है। और मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पर दो कलाकारों का नाम सामने आ रहा है, ऐश्वर्या शर्मा और कनिका मानका। वहीं 21वें टीवी शो की बात की जाए तो कलर्स टीवी पर लॉन्च होने वाला है साइको लव स्टोरी है जिसका टाइटल तो डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मेन लीड एक्टर के तौर पर नील भट्ट और इनके अपोजिट नेहा राणा और टीवी एक्टर किंशुक महाजन की तिकड़ी नजर आने वाली है। वहीं 22वां टीवी शो है इश्क बाज़ सीजन 2। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गुल खान ने अनाउंसमेंट कर दिया है इसके दूसरे सीजन को लॉन्च करने के लिए और पूरे के पूरे नए स्टार कास्ट नजर आने वाले हैं। वहीं 23वें नंबर की बात की जाए जो टीवी शो है वह है रश्मि शर्मा का न्यू टीवी शो जिसमें रोहित चंदेल और गौरी अग्रवाल की जोड़ी फिक्स हो चुकी है और भी स्टार कास्ट को लेकर ऑडिशन जारी है शो के मेकर्स के द्वारा। वहीं 24वें नंबर के टीवी शो की बात की जाए तो मेरी आशिकी तुमसे ही का दूसरा सीजन बहुत ही जल्द कलर्स टीवी पर दस्तक देने वाला है और लीड कलाकारों की बात की जाए तो एकदम नई नवीली जोड़ी नजर आने वाली है इसके नए सीजन में। वहीं 25वें टीवी शो की बात की जाए तो कुल्फी कुमार बागेवाला सीजन 2। जहां दोस्तों, पहले सीजन की अपार सक्सेस को देखते हुए मेकर्स ने इसके दूसरे सीजन को सितंबर में लॉन्च करने का प्लान कर लिया है। वहीं 26वें नंबर के टीवी शो की बात की जाए तो गुल खान का लच्छो है जो कलर्स टीवी पर लॉन्च होगा। मेन लीड एक्टर के तौर पर शहजादा धामी के नाम को कंसीडर किया जा रहा है इस नए नवेले टीवी शो में। वहीं 27वां टीवी शो है बरसाते आया मौसम प्यार का सीजन 2। जी हां दोस्तों, सोनी टीवी का ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ड्रामा टीवी शो भी बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है सोनी टीवी पर। वहीं 28वें नंबर के टीवी शो की बात की जाए तो एकता कपूर का टीवी शो है। हालांकि इसका टाइटल डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन सोर्सेस की माने तो कलर्स टीवी पर लॉन्च हो सकता है। वहीं 29वें नंबर के टीवी शो की बात की जाए तो मीत का दूसरा सीजन जो जी टीवी का ब्लॉकबस्टर टीवी शो हुआ करता था, कहानी पर काम किया जा रहा है और मेकर बहुत ही जल्द इसके दूसरे सीजन की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। वहीं 30वें नंबर के टीवी शो की बात की जाए तो गीता LLB, ये स्टार जलसा का ब्लॉकबस्टर टीवी शो है जिसका रीमेक वर्जन स्टार प्लस पर बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। तो ये 30 शो है दोस्तों जो बहुत ही जल्द टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में तहलका मचाने आ रहे हैं। और इन 30 टीवी शो में से आपका फेवरेट टीवी शो कौन सा है और आप किस टीवी शो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक, एक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप सभी फैंस हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल टेली टॉक को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तब तक के लिए बने रहें हमारे न्यूज़ के साथ।